सर, मैं ना एक अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, ऐसा जो कि फिक्स्ड हो फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और उसमें वक्तन फवक्तन कुछ अमाउंट जमा करवाता रहूँ और उसमें प्रॉफिट भी आता सूद रहे। लगता रहे। मैंने प्रॉफिट, चलो सर मैं नाम देता हूँ ये। सर सूद क्या है ना, हाँ चले, प्रॉफिट वाला मामला ला के। एक 10 साल के लिए उसमें जितनी भी रकम मुझसे हो सकती है ना, मैं वो उसमें करवाऊँ, और उसके बाद जब ये अपना टेन्योर पूरा कर ले ये अकाउंट, तो उससे कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जिनको मद्देनजर रख के मैं ये अकाउंट खुलवा रहा हूँ उनकी ये हेल्प के लिए, तो क्या ये ठीक है? देखिए, इसके ऊपर अहमद दीदार साहब ने पहली दफा एक चीज लॉन्च की थी। उन्होंने कहा कि अरबियों के अरबों डॉलर पड़े हुए हैं अमेरिका के बैंकों में और उन पे करोड़ों रुपया सूद लगता है। तो अहमद दीदार साहब ने अरबियों से कहा था कि यार ये सूद जो है ना तुम्हारे लिए तो आराम है, ये मुझे दो, मैं अफ्रीका में जाके गुरबा में ये तकसीम करके उनको हाउसिंग स्कीम्स बनाऊं, उनके खाने पीने के मामला करूं, उनकी तालीफ़ कल्ब के लिए मैं कोशिश करूं, तो मुसलमान हो सकते हैं। और उन्होंने किए भी हैं। अरबियों ने उनको पैसा दिया है नहीं दिया वो अलग बात है, अरबियों ने बर लिया है कि उनकी वैसे बहुत मदद की है, डॉक्टर जाकिर नाइक की अब कर रहे हैं। जाहिर है पैसे के बगैर तो ये सारे मामला नहीं चलते। ये तो अल्लाह भला करे जनाब, ये इन्होंने यूट्यूब फ्री बनाई है, वरना तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाए। और आप देखें कैसा मुबारक दौर है कि आपके दुश्मन आपको मीडिया दे रहे हैं कि आप हमें दावत दें। ये इंसानियत ने कभी ये वक्त नहीं देखा। फिरौन के सामने को कुरान पढ़ सकता था, ये वो कहता जी ये लो जनाब मीडिया और आप कुरान की दावत दो मेरी अवाम को, वो तो जनाब खुद बात नहीं सुनते थे, अवाम तक जाने नहीं देते थे। आज ट्रंप भी जो है वो तलावत कुरान सुन रहे हैं। आप जनाब इंग्लैंड में किसी बाजार में खड़े होकर कुरान की तलावत करें, नमाज एलानिया पढ़ें, आपको कोई प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का नहीं रुकवाएगा, ना ट्रंप रुकवाएगा। तो ये बड़ा मुबारक दौर है, ये इस्लाम दौरे जदीद का खालिक है। वो जो वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है कि इस्लाम ने सिर्फ रोमन और पर्शियन अंपायर नहीं गिराई है बल्कि बुत परस्ती को ऐसा तोड़ा है कि लोगों के जहन खुले हैं, कि लोग इल्मी दलायल के अंदर बात करते हैं। तो इस हवाले से यानी जो मतलब चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, इनको देखना चाहिए। बाकी ये जो सूद, तो सूद हराम है। आप किसी इस्लामिक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवा लें, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी अभी वर्किंग कर रहा हूँ। फिल वक्त जो मैं जिस रिजल्ट पे पहुंचा हूं ना जी, अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद मैं यानी एक वर्डिक के साथ, फैसला कुन अल्फाज के साथ ये नहीं कह सकता कि इस्लामिक बैंकिंग जो है वो हराम है। क्योंकि मैंने जहां तक मिजान बैंक का, दुबई इस्लामिक बैंक इसी तरीके से, और जो बैंक है, मैंने मिजान को जरा ज्यादा स्टडी किया। वो चूंकि प्रीमियर इस्लामिक बैंक है, यहाँ उन्होंने बुनियाद रखी है और उसको बड़े उलमा देख रहे हैं। तकी उस्मानी साहब जैसे लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, उनसे इख्तलाफात अपनी जगह, इस फील्ड में वो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में उनके पाए का आदमी कोई नहीं है तकी उस्मानी साहब का। तो उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और उनके खिलाफ जो उनके उनके मकतब फिक्र के मौलवी झूठे इल्जामात लगा के किताबें लिख रहे हैं ना, आधी आधी बातें कोट करके, ज्यादातर बातें जहलाना है बिल्कुल। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, ये बैंक जो है ये आपसे पैसा लेते हैं, इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं कारोबार के अंदर और बकायदा डिक्लेयर होता है। वो बताते हैं कि इस दफा हमें इस जगह, हमने टेक्सटाइल मिल में इन्वेस्टमेंट की, उससे ये प्रॉफिट हुआ, इतने परसेंट आपको दे रहे हैं, इतने परसेंट हम रख रहे हैं। ये डिक्लेयर होना भी जरूरी है स्लीपिंग पार्टनर के लिए। आप स्लीपिंग पार्टनर होंगे ना, स्लीपिंग पार्टनर को ये पता होना जरूरी है कि मैंने जिसके इन्वेस्टमेंट किया कहीं रवन की स्मगलिंग तो नहीं कर रहा, हराम तो ना कर रहा हो, कारोबार के नाम के ऊपर कोई हराम कारोबार ना हो रहा हो। तो इस्लामिक बैंक के अंदर आप अकाउंट तसल्ली करके, किसी भी इस्लामिक बैंक से आप पूरा करके कि वो इन शरायत के ऊपर कि वो आपको डिक्लेयर करे कि वो आपके पैसे को कहां लगाएगा और प्रॉफिट की परसेंटेज भी फिक्स हो, पर प्रॉफिट की क्वांटिटी नहीं, यानी ये नहीं है कि लाख के पीछे 1000 दूंगा, नहीं, लाख के पीछे जो कमाऊंगा उसका इतने परसेंट दूंगा। अगर 2000 कमाऊंगा तो 1000 दूंगा, और अगर 4000 कमाऊंगा तो 2000 दूंगा, और अगर कमाऊंगा ही 500 तो 250 दूंगा। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स हो, प्रॉफिट की मिकदार फिक्स नहीं, वरना तो कहेगा मैंने 1000 देना ही देना है, चाहे मैं 4000 भी कमाऊं वो भी तो जुल्म है ना, या 500 कमाए और आपको 1000 ही दे। पैसे का किराया नहीं आप ले सकते, किराया तो सिर्फ कमोडिटी का होगा, मकान का या गाड़ी का। पैसे का किराया जो है वो सूद है, पैसे का किराया नहीं हो सकता, पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो आप कमाई करते हैं। तो आप किसी इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवाएं,
اور اگر آپ کو کوئی مسلمان مل جائے جو آپ کی انویسٹمنٹ فیصلہ بات ہو انڈسٹری لے رہی ہے, کوئی صحیح العقیدہ مسلمان جو مطلب پیسہ لے کے آپ کا بھاگ نہ جائے, تو اس کی فیکٹری میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یا کسی حلال فیکٹری جو مطلب سودی کاموں سے بچتی ہے جیسے ستارہ والے ہیں ٹیکسٹائل والے, ان کے شیئرس خرید لیں, وہ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں, شیئرس کا ڈیویڈنڈ حلال ہے, وہ کاروبار کے اگینسٹ ہی آتا ہے نا, تو وہ حلال ہے. یہ میں نے آپ کو سارے آپشن بتائے ہیں. باقی جن کا کاروبار ہی حرام ہے, ان کا ڈیویڈنڈ بھی حرام ہوگا, ان کا پروفٹ بھی حرام ہوگا. میں نے ایک سگریٹ بنانے کی فیکٹری, آپ اس کے شیئر خرید لیتے ہیں, تو ہم سگریٹ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک سلو پوائزننگ ہے, تو اس کی کمائی کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے, بچیں گے اس سے. میرا خیال کافی میں نے ایکسپلور کر دیا. چلیں یہ جب تک اسلامک بینکنگ کا رولا نہیں ہے, میرا کلپ کافی ہوگا ان شاء اللہ.